नमस्कार, फिल्मी बीट में आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर्स में खास और कपूर्स का ही बोलबाला रहा है, लेकिन अब कई नए एक्टर्स बॉलीवुड में एंटर कर चुके हैं जो अपनी एक्टिंग और हार्ड वर्क की वजह से फेम पा रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर्स फिल्मों में अपनी प्रेजेंस के लिए मोटी कमाई चार्ज करते हैं, मगर किसी फिल्म में खान हो तो माना जाता है कि फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोग अब शायद फिल्मों के कंटेंट को और स्टोरी को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, साथ ही ओरिजिनल एक्टिंग को भी। अब फिल्में अपने कंटेंट की वजह से बॉक्स ऑफिस पर अपना प्रॉफिट कमा पाती हैं। समय के साथ लोगों का टेस्ट बदल गया है और अब एक्टर्स को अपनी फिल्मों में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिससे वो मोटी रकम कमा सकें। आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड के सबसे कमाऊ एक्टर्स के बारे में। सलमान खान। बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर का ओहदा हमेशा तीनों खानों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और इस साल भी ये ओहदा बॉलीवुड की शान सलमान भाईजान के पास ही है। आपको बता दें, सलमान खान बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज से धूम मचा रही हैं, इसीलिए सभी प्रोड्यूसर्स की पहली डिमांड भी सलमान ही होते हैं, क्योंकि सलमान खान को फिल्म में साइन करने का मतलब कि मूवी ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर होगी। हालांकि सलमान के पिछले कुछ फिल्में जैसे ट्यूबलाइट और रेस 3 लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में नाकामयाब रही, लेकिन फिर भी इन फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 150 करोड़ के आसपास तो कमाई कर ही ली थी। आपको बता दें कि सलमान एक फिल्म के लिए करीब 55 से 60 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और सलमान खान की हालिया रिलीज फिल्म भारत करीब 200 करोड़ के क्लब को ज्वाइन कर चुकी है। सलमान खान बॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल और बैंकेबल एक्टर हैं। आमिर खान। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान को तो टॉप 5 लिस्ट में आना ही था। सालाना एक फिल्म करने वाले आमिर जो फिल्मों का काफी सोच समझकर चयन करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई करते हैं। सोर्सेस की माने तो आमिर खान अपनी एक फिल्म के लिए लगभग 50 से 55 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और अपनी फिल्म का प्रॉफिट भी शेयर लेते हैं अलग से। हालांकि आमिर की रीसेंट मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी आमिर की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई है। अक्षय कुमार। अब बात करते हैं बॉलीवुड के इस खिलाड़ी की जो अपने हर काम में 100% देते हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सुपर खिलाड़ी जो अपने एक्शन, स्टंट्स और डिसिप्लिन के लिए मशहूर हैं। अक्की अपने हर रोल में ढल जाते हैं, फिर चाहे वो कॉमिक रोल हो, माचो हीरो का किरदार हो या फिर किसी सोशल वॉरियर का। अक्षय अपने हर रोल को बखूबी निभाते हैं। अक्षय की टॉयलेट, बैडमैन और केसरी जैसी फिल्मों ने काफी प्रॉफिट कमाया। सोर्सेस की माने तो अक्षय अपनी एक मूवी के लिए लगभग 40 से 45 करोड़ चार्ज करते हैं और यही उन्हें बॉलीवुड में हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक बनाती है। शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह खान का इस साल बॉक्स ऑफिस पर इतना जोर नहीं चला। शाहरुख की पिछली कुछ फिल्में जैसे रईस और जीरो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। सोर्सेस की माने तो शाहरुख अपनी एक फिल्म के लिए करीब 40 से 45 करोड़ तक की राशि चार्ज करते हैं। अभी बेशक शाहरुख का बॉक्स ऑफिस पर इतना बोलबाला ना हो, लेकिन एसआर के फैंस बेसब्री से शाहरुख की वापसी का तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं। अजय देवगन। बॉलीवुड के ये साइलेंट एक्टर जो कभी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करते और ना ही लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। अजय देवगन सिर्फ अपने काम और परिवार पर ही ध्यान देते हैं। बॉलीवुड के सिंघम किसी बॉलीवुड के खान से कम नहीं है। अजय हमेशा अलग किस्म के जॉनर की फिल्में करते हैं। टोटल धमाल, दे दे प्यार दे जैसी फिल्मों ने लोगों के दिलों को जीत लिया और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी अपना जलवा बिखेर पाई। सोर्सेस की माने तो अजय देवगन अपनी एक फिल्म के लिए करीब 30 से 35 करोड़ रुपए की राशि चार्ज करते हैं। तो ये हैं बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।